सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। मेरे अजीजों, मैं कल यहाँ पे नाइट में था और आज दिन में हूँ ताकि आप देख सको पूरा इस होटल के ऊपर की छत को, टेरिस पे है हूँ मैं और इस समय आपको साफ दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी कल रात थी और आज कोहरा है, कोहरे पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि वो अद्भुत अद्भुत प्रकाशन करता है हर जगह ले जाकर। और देखो हर चीज़ मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आशीष है जो मेरे पे है वो आप पर हो, आपके परिवार पे हो और दुगनी हो, क्योंकि अलीशा से ज़्यादा अलीशा पे मस्सा उतरा था। तो मैं चाहता हूँ कि जो दासों पे मस्सा है, दो अभिषेक है, वो आप पर दुगना हो। हालेलुया, लेकिन उस दुगने मस्से को पाने के लिए, अभिषेक को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत है, हमें संसारी बातों को छोड़ना पड़ता है, हर उन बातों को छोड़ना पड़ता है जो हमें परमेश्वर दूर ले जाती है। कई बार हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, कई बार हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं परमेश्वर के लिए, यानी कि परमेश्वर के को हम संडे को मिस कर देते हैं, लेकिन सांसारिक बातों को नहीं छोड़ पाते। फिर हम कहेंगे कि ये भी पाप है क्या, ये चीज़ छोड़ना भी पाप है? और यही चीज़ शैतान को अच्छी लगती है जब हम परमेश्वर को नाप तोल की बातें करते हैं, या हम अपनी चीज़ों को परमेश्वर के साथ शेयर नहीं करना चाहते, दासों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और एक थॉट हमारे जीवन में आता है कि ये सब ऐसी है ना, कुछ नहीं होता, अरे एक दिन तो मरना सबको है, वो चीज़ शैतान को अच्छी लगती है। और यही है कि हमें बड़ी बड़ी आशीष से रोक लेती है। मेरे से कई बार ऐसे गुनाह हम छोड़ देते हैं जो एक ऊँट के समान होते हैं ना, हम छोड़ देते हैं ना, यानी कि बड़े बड़े गुनाह है ना। लेकिन कई बार छोटी छोटी चींटियाँ भी है ना, छोटी चींटियाँ भी हाथी गिरा सकती है। ऐसे छोटे पाप भी हमारे जीवन में बड़े बड़े आशीष को रोक सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को गिरा सकती है। कई बार हम बड़े बड़े पाप तो छोड़ देते हैं, हम कहेंगे अरे हमने सिगरेट छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, अब क्या बुराई है। लेकिन हमारे अंदर चुगलिया है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं दूसरे को देख के ईर्ष्या है, और ये हमें लगता है अरे ये तो नहीं, ये तो कॉमन बात है, ये सबके साथ है। फिर हम तुलना करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और ये सबसे बड़ी शैतान की एक पॉलिसी होती है, और ये हमें बीमारी लाती है। जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है फिर भी वो पनप नहीं पाता, वो एक टेस्टिंग में होता है। देखिए कई बार सोचता है वो, मैं क्यों नहीं पनप पा रहा, कारण उसका मन साफ नहीं, कारण वो कहीं ना कहीं चुगली में है, कहीं ना कहीं वो बुराई में है, कहीं ना कहीं फिल्में गाने सुन रहा है। फिर एक सवाल आता है, अरे फिल्में गाने सुनना क्या बात है, ये तो हम एंजॉय कर रहे हैं है ना, ये तो कोई पाप नहीं है, गाने तो सुन रहे हैं। लेकिन मेरे जी तो हर वो चीज़ जो शैतान से आती है वो सब पाप है। याद रखना, परमेश्वर ने मुझे बताया था कि जो फिल्में गाने सुनेगा उस पर दुष्टात्मा आएगी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं, या शैतान हमारे अंदर उन चीज़ों को डालकर भुला देता है। हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, अच्छी बात भी है कि हम बड़े पाप छोड़ के आए, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान हमें हल्की सी पिन मारता है कि मैं हवा आई से ऐसी निकल जाती है, वो हमारी आशीष की होती है और सब कुछ होता है। हम कभी कभी दरवाजे तो बंद कर लेते हैं कि चोर ना आए, है ना, चोर ना आए, बाहर का जानवर कुत्ता बिल्ली ना आए, बड़े प्यार से बंद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम खिड़की बंद करना भूल जाते हैं और वहां से बिल्ली आती है चोर के समान। देखो चोर कोई भी हो सकता है, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, यानी कि चोर का मतलब है वहां से कोई चीज आएगा हमारे खाने को खराब कर देगा, क्यों खिड़की बंद करना भूल गए। कई बार हम बड़े पाप तो बंद कर देते हैं लेकिन छोटे पाप भूल जाते हैं, और यही कारण है कि हम बैकफुट पे रहते हैं। हम जिस विश्वासी को अपने साथ लेके आए वो परिवर्तन होके उसने सब कुछ पा लिया और हम वहीं के वहीं हैं, कारण हमारे अंदर जलसी है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक कमी घटी है जो हमें परमेश्वर दूर ले जाती है। आज 2024 में आने वाले में या वीडियो देखो मुझे नहीं पता वीडियो कब अपलोड होगी, लेकिन ये वीडियो एक मैसेज है आप सभी के लिए। ये मैसेज है कि हमें परमेश्वर में आने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो आप 2023 में देख रहे हो या 2024 में देख रहे हो, लेकिन आपको ये कहूँगा 2024 आने ही वाला है या लग चुका है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो 2024 के लिए मैसेज है कि हमें कैलेंडर और साल के साथ साथ, महीने के साथ साथ अपने आप को बदलना है। बदलेंगे, पवित्र बनेंगे, खुदा से मांगेंगे, खुदा सब कुछ देगा। कई बार हम बदलने की कोशिश करते नहीं बदल पाते, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। देखिए उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और शैतान से फाइट करें कि वो हमें हिम्मत दे कि परमेश्वर हमें इन चीज़ छुड़ा जो हम नहीं छोड़ पा रहे। खुलकर सामने आइए, जब खुलकर सामने आएंगे तो यकीन मानना परमेश्वर हमें एक बच्चे की तरह से निहलाते ना वैसे निहला देगा, धुला देगा, क्योंकि हमने उससे कोई बात छुपाई नहीं। जब अन्ना अपनी सोच के चढ़ाई जा रही थी तो उसने कहा, अब प्रभु के दास से एली से कहा कि मैं तो दुखी से बोल रही हूँ, परमेश्वर खुलकर बातें करिए, और उसने सब कुछ बताया था। उसके बाद उसका मुंह कभी उदास नहीं आया। जब हम खुलकर बताएंगे तो यकीन मानना हमारे चेहरे पे भी चमक आएगी, हम भी आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश आपके हुआ, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। समझाया गया ये भी एक वचन है, बोला गया ये भी वचन है, हर एक मुंह पे निकला हुआ वचन है,
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक के लिए, लोगों ने सुना माना, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे अंदर से हर वो चीज़ें जो आपकी ओर से नहीं, शैतान की ओर से, मैं ब्लेसिंग से रोकती है, आउट करिए यीशु मसीह के नाम में। 2024 सबके लिए ब्लेसफुल हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।